नीता जी अभी कल्लू करेगा कप्तानी। रोहित कैप्टन है वो, अब तुम्हारा तमीज से बात करो। बुला तमीज को, कहाँ है? रोहित मेरा मतलब है कौन ये? रोहित भाई रिश्ते में तो हम तुम्हारे कैप्टन लगते हैं, नाम है हार्दिक पांड्या। बेटे मुंबई घर है अपना, इसीलिए चुप है, वरना तेरी कप्तानी में खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोहित भाई आप सिर्फ बैटिंग पे ध्यान देना, क्या पता अगली बार आपको टीम में जगह ना मिले। तो लो जी मित्रों हुण असीं आ चुके हैं टॉस लई ते साडे नाल इस पासे हैं हार्दिक पांड्या ते इस पासे हैं थार डू प्लेसी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हार्दिक ब्रे दसो की लेना? कॉफी मंगा लो। हे हार्दिक, he is talking about head and tail. Oh sorry paaji, head lunga main. So Hardik tusi toss jeet chuke ho, ki decision si tuhda? Paaji we gonna bat first. To lao ji mitro MI ne toss jeet ke pehle batting karan da faisla liya si te tusi sare jane aap di seat belt band lo kyunki hun aa rahe ne MI's ex captain Rohit Sharma। और अचानक ये क्या देखने को मिल रहा है, फील्ड पर ही जस्सी पाजी को झटके महसूस हो रहे हैं, लग रहा है किसी भूकंप की एंट्री हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये तो रोहित शर्मा की एंट्री है। क्यों भाईजान, तुझे किसकी कप्तानी मजा आता है? मुझे तो बैटिंग करने मजा आता है, कैप्टन जाए कोई भी हो। सारे गुड़ आ गए तेरे में हार्दिक के। अरे रोहित भाई क्यों धमका रहे बच्चे को, आपसे बोला था ना बैटिंग पे ध्यान दो। ओए साले कलुए तेरी कप्तानी खा जाऊंगा मैं। रोहित भाई इनको सिर्फ IPL खेलना है इसलिए इतना उछल रहे हैं। सिराज बुला दो ये फालतू। इसपे तैयार रोहित शर्मा, विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, और देख सकते हैं कि गेंद के साथ तैयार हैं सिराज, और ये पहली गेंद पे उठा के मार दिया रोहित शर्मा ने 6 रन। और ये क्या जबरदस्त एंट्री मार दी है गुस्से के साथ विराट कोहली ने मैदान पर, और यहाँ पर सिराज को कुछ समझाते हुए हर एंगल के साथ समझा रहे हैं, एंगल्स का बड़ा ही ज्ञान है इनको। अब देखना ये होगा कि सिराज इनकी बातों को कितना सीरियस लेते हैं और एंगल्स को कितना समझते हैं, क्या ऐसे ही छक्के पड़ते रहेंगे या फिर कुछ जाएंगे डॉट बॉल्स के साथ। और लगता है कि विराट कोहली की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है सिराज ने, हर बॉल डॉट फेंकते जा रहे हैं, क्या देखना होगा कि ओवर को भी एंड करेंगे डॉट बॉल के साथ। और जी हाँ इसी के साथ एक और डॉट बॉल, और इसके साथ ही अंपायर ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल में एक बॉल आ रही है और डॉट बॉल पकड़ नहीं पा रहा है कीपर, क्या बात है इसमें। और अब बात रोहित शर्मा की इज्जत की है तो उठा के एक बार फिर मारा है गेंद 6 रन के लिए। और जी हाँ काफी दूर बॉल जाएगी, लगता है इनकी बाउंड्री से नहीं औकात से बाहर बॉल चली गई है। पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर छक्का खाने के बाद RCB की तरफ से एक नया बॉलर आया है जिसको देखते ही बॉल की जाती है फैल, ये है मैक्स बेल। अब देखना ये होगा कि ये क्या रोहित के डंडे उखाड़ पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं आपके साथ। और ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, विकेट के डंडे गए हैं फैल, यही है मैक्स बेल, इसके साथ यहाँ पर आउट कर दिया है रोहित शर्मा को, काफी नाराज दिख रहे हैं, लगता है पवेलियन की तरफ बहुत ही गुस्से से जाएंगे और हार्दिक को भेजेंगे, पर देखना ये होगा कि क्या अगली बार अगली बॉल पर क्या होने वाला है। और यहाँ पर हार्दिक भी बड़े खुश दिख रहे हैं, लग रहा है अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे और दुआ कर रहे थे रोहित के आउट होने की, तो अब जाएंगे हार्दिक क्रीज की तरफ और मारेंगे कुछ चौके छक्के, देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए आपके साथ इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या आ चुके हैं जो कि पिच को चेक कर रहे हैं जूते को घिसकर, दूसरी साइड बॉलर भी तैयार है बॉल फेंकने के लिए, और लगता है आज कुछ ज्यादा ही चौके छक्के मारने की फिराक में है हार्दिक पांड्या। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पहली बॉल डॉट गई है, दूसरी बॉल भी डॉट गई है, और ये तीसरी बॉल भी डॉट चली गई है हार्दिक पांड्या के हाथों से, और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या आखिर कर क्या रहे हैं जो कि डॉट पर डॉट बॉल पीते जा रहे हैं, लग रहा है इन्होंने कोई कैंपा नहीं पी है आज। क्या यार हार्दिक भाई का ऐसा शॉट, अरे मूड खराब कर दिया यार। छपरी हार्दिक छपरी 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 हार्दिक छपरी हार्दिक छपरी। और हार्दिक को ऐसे ही इसकी मार लगानी चाहिए, ये सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ विकेट लेते हैं। एक और नई बॉल और यहाँ पर शॉट को हवा में उठाया हार्दिक पांड्या ने 6 रन के लिए। छक्का
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा एमआई का 194 रन 18 ओवर के बाद। हार्दिक पांड्या अभी भी क्रीज पर मौजूद है, 99 रन पे खेल रहे नॉट आउट। और इसी के साथ आरसीबी की तरफ से लास्ट ओवर लेकर आए हैं मयंक डागर, जो कि काफी अच्छे स्पिनर हैं। देखना होगा इसी एक्शन के साथ स्ट्राइक पे ईशान किशन पहला रन के साथ, और मयंक डागर तैयार अपनी अगली गेंद के लिए एक बार फिर से। तो एक बार फिर से उठा लिया गेंद को 6 रनों के लिए। विराट कोहली है नीचे, कैच पकड़ लिया विराट कोहली ने। जिसने मेरा कैच पकड़ा भाई उसकी सेटिंग भाग जाएगी, बता दे रहा हूँ मैं। बेटे हमने सेटिंग का लफड़ी नहीं रखा, अपने पास बयानामक लाइसेंस है, समझ गए? और इसी के साथ एमआई का स्कोर जा पहुंचा है 201 रन 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली को चेस करना होगा 202 रन के लिए। तो देखते हैं इस अगली इनिंग में क्या विराट कोहली की टीम इस मैच को जीतेगी या फिर एमआई मारेगी बाजी। FIFA, I am going to play attacking cricket. Okay, Viraj. Achha. Yeah. और साला जिसने भी कैच छोड़ा उसको पूरे सीजन खेलने का मौका नहीं दूंगा। भगवान इसके ओवर में 36 रन चले जाए, ओवर नहीं दिया साले ने। और इसी के साथ इनिंग की शुरुआत सामने कैप्टन हाफ दोपसली सॉरी पाप डुप्लेसिस आउट, एम्पायर आउट है। विराट कोहली तमंचे की धम से नॉट आउट दिवाएंगे डुप्लेसी को, और ये क्या अंपायर आउट देना चाहते थे, कान में उंगली डाल ली है अंपायर ने, नॉट आउट डिसीजन। अंपायर साहब कितने बिक गए हो? अरे हार्दिक बिका नहीं, डरा हूँ। अंपायर साहब 1 करोड़ दिलवाऊंगा अगली बॉल में से आउट कराओ। हार्दिक बात से तो पीछे तो नहीं हटेगा। नहीं अंपायर साहब कैसी बात कर रहे हो, लो फिर हो गया आउट। हेलो क्या अफ्रीका में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट कर दिया? हे डुप्लेसिस तेरी बहू का फोन आया है, तू यहाँ से निकल फटाफट। टेल मी व्हाट हैपेंड देयर। अबे हैपेंड के चचा, वहाँ तेरी बहू परेशान है और तू व्हाट हैपेंड बोल रहा, चल निकल यहाँ से, हट। देख सकते हैं आप कैसा कलयुग आ चुका है, बेईमानी कर ली बेचारे अंग्रेज की। तो जी हाँ अंग्रेज की बेईमानी बहुत ही गलत तरीके से हुई है, पर आरसीबी ने अपना नया बैट्समैन भेज दिया है जो कि खटारा साइकिल से आया है, और कौन है हमें खुद समझ नहीं आ रहा है, पर इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है ये विराट कोहली की सस्ती सेट पहनकर आ चुका है क्रीज पर। और बढ़ रहे हैं ये है दिनेश कार्तिक, जिनका जलवा बहुत ही बिखेरा हुआ है, पर ये इतनी सस्ती साइकिल से क्यों आए हैं, और ये क्या इनकी चैन भी उतर गई है। अरे विराट तेरा चैन चलाना बेटा, चैन चलाने के लिए खड़ा हूं यहां पे। अरे गुस्सा क्यों रहे हो भाई, मेरा मुंह तो निकल गई। ए विराट आ रहा हूं मैं, 2 नंबर देख ले। अबे कैसे अंपायर यार, कभी लेट इंडिया लगी बात हो जाता है। अरे अंपायर भाई तुम ही चढ़ा दो आके। वे मुझसे ज्यादा नहीं बोलना, उंगली खड़ी हो जाएगी, 1 सेकंड लगेगा पवेलियन पहुंचने में, निकल उधर। और आप देख रहे हैं कि आखिरकार अपनी इज्जत का फल उधर कराने के बाद क्रीज पर आ चुके हैं दिनेश कार्तिक। और इसी के साथ हार्दिक पांड्या की दूसरी बॉल और सामने बैट्समैन दिनेश कार्तिक। क्या दिनेश कार्तिक इस बार विराट कोहली को स्ट्राइक देंगे? जी हाँ विराट कोहली को इन्होंने स्ट्राइक दी है, पर ये पैरों में मेहंदी लगा कर क्यों दौड़ रहे हैं, लगता है विराट कोहली को आउट करवाना चाहते हैं। पर विराट कोहली भी बड़े ही होशियार हैं, वो अपनी स्ट्राइक पर पहले ही पहुंच चुके थे और यहाँ पर मिट्टी खोद कर देख रहे हैं पिच की गहराई को। इसी के साथ अपनी अगली बॉल लेकर आ चुके हैं हार्दिक पांड्या, और विराट कोहली ने उठाकर मारा ये रहा 6 रन के लिए। लगता है रोहित का भी बदला आज विराट कोहली ही लेकर जाएंगे हार्दिक पांड्या से। और हाँ इसी होशियारी के साथ विराट का एक और शॉट, अगेन बाउंड्री के चरणों में गेंद, जाइए उठाकर लाइए, दर्शक मात्र बनेंगे फील्डर, फील्डर बनेंगे दर्शक। और ओवर की 5वीं बॉल पर देखते हैं हार्दिक पांड्या का ये क्या जवाब जाने वाला है विराट कोहली की तरफ से। गेंद ऊपर जरूर गई है पर दूरी नहीं, गेंद में दूरी भी है, गेंद में मंजूरी भी है। ये कलुआ तो कुछ नहीं करने वाला, मुझे कुछ करना होगा। ला गेंद तेरे बस की नहीं है। और ये क्या, कप्तान तो हार्दिक है पर ये रोहित अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? हे बुमराह ये ले बॉल, अब जिम्मेदारी तेरे हाथ में। तो आ चुके हैं वो जिनका इंतजार 79 मुल्कों के बॉलर कर रहे हैं इनसे बॉलिंग सीखने के लिए। और अपने पहले ओवर के साथ द वन ऑन ओनली जसप्रीत बुमराह। हे कृष्ण हे जगन्नाथम ये क्या हुआ? अरे कोई नहीं धोखे से लग जाता है एक आध। बेटा हार्दिक धोखा तो तेरे साथ हुआ है, कप्तान तू है, डिसीजन रोहित शर्मा ले रहा है। क्या प्लेयर यार भाई। और यहाँ पर बैट्समैन भी
पूरे मजे ले रहे हैं हार्दिक पांड्या के। बोलो अक्षय कुमार। उरी मैया, ये क्या हुआ? आउट है एम्पायर, आउट आउट आउट। नशे से उठकर अंपायर ने आउट दे दिया है। भाई क्या कैच पकड़ा है, मजा आ गया। अरे केच गया भाड़ में, तुम अंबानी जी से कह के पैसे के जुगाड़ करो, मैच हम ही जीतेंगे। अंपायर रिव्यू चाहिए, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। बेटे मशीन खराब है, DRS नहीं मिलेगा, तू जा और दूसरे को भेज। अंपायर तेरे समझ में नहीं आई बात, करो मेहमान तुझे रिव्यू दिखा तुरंत। विराट भाई कैसी बात कर दी, मैं तो मजाक कर रहा था। विराट भाई ये लो रिव्यू। आउट है एम्पायर, आउट आउट आउट। रोहित बेटा बेईमानी मत करो। हेलो, अरे पांडे भाई विराट से बात कराओ ना। ए पांडे भाई। हाँ कराता हूँ कराता हूँ। ए विराट भाई तुम्हारे किसी फैन का फोन है, लो बात करो। हेलो। अबे विराट भाई तुम्हें मैंने ड्रीम इलेवन में कप्तान बनाया, रन बनाओ रन। तेरी बहन का साले, मैंने कह दी कप्तान बनाने को, ज्यादा बकबक करेगा घर से उठवा लूंगा। फोंगट अरे पता नहीं कहूंगा फोंगट। ए पांडे अपना फोन ले यार, किसका इसका फोन देता मुझे, हट। और इसी के साथ अगला ओवर लेकर आ चुके हैं पीयूष चावला, जो कि काफी जाने माने बॉलर माने जाते हैं, पर इन्हें क्यों लोग मानते हैं मुझे समझ नहीं आता है। हो सकता है उन लोगों का बहम हो। ये इसी के साथ पीयूष चावला की एक और नई बॉल, देखते हैं क्या रन होने वाले हैं, छक्का पड़ेगा या नहीं। अपनी दो बॉलों पर छक्का पड़वाने के बाद पीयूष चावला की एक और नई बॉल, चौका पड़ने के बाद एक और नई बॉल पीयूष चावला की, और इसमें भी सिंगल। बड़े हरामी हो बेटा, आखिरी बॉल पर भगा दिया। कार्तिक भाई कोई बात नहीं, इन छह बॉलों पर 21 रनों की दरकार RCB को। देखते हैं RCB जीतेगी मैच या मुंबई मारेगी बाजी। अरे जब मैं खड़ा हूँ तुझे फिर भी डाउट है, थोड़ा ध्यान से कमेंट्री कर लो, छक्का उधर ही मारूंगा। और हार्दिक पांड्या एक और नई बॉल के साथ आ चुके हैं, देखते हैं विकेट उखाड़ेंगे विराट कोहली के। और ये क्या विराट कोहली गिर गए हैं फील्ड पर ही, क्या हुआ है, लगता है अंपायर इशारा देंगे इसको नॉट आउट का। अरे अंपायर साहब सब ऐसे घूर ही क्यों देख रहे मुझे, ये ना समझ मैं आउट हो गया, ये तो बस मुझे बाथरूम मारी थी इसलिए मैं लेट गया गिर के, बाकी आउट आउट कुछ नहीं है, फेंको अब आइए हम रेडी। और इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आ चुके हैं हार्दिक पांड्या। इस बार आउट है, इस बार ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं अच्छा भाई पाटीदार मेरा भी नंबर आ गया। क्यों साले रो रहा था ना अपने नंबर के लिए, जा बेटा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। और इसी के साथ हार्दिक पांड्या की आखिरी बॉल पर यह मुकाबला जीत लिया है RCB ने। और क्या कहने इस बल्लेबाज के, सट्टेदारों की हो गई होगी फटके चार। ये थे पाटीदार, जीत लिया है मुकाबला एक बार फिर से, जय हिंद। और अगर आपका भी सट्टा लगा था किसी टीम पर तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सट्टा किस टीम पर लगा था। यार क्या कर लिया मैंने यार, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, लास्ट ओवर में 21 रन दे दिए यार। चलो यार घर चलते हैं पैक। तो है गाइस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि यार ये प्यार सपोर्ट बना रहे आप सबका। कमेंट में बताओ वीडियो कैसी, हाँ कमेंट करके बताओ। और साथ ही आप अपने शेयर कर सकते हो टॉपिक जिस पर आप अगर नई वीडियो चाहते हो। तो RCB को जिताया जो कि खुद नहीं जीत पा रही है, पूरे सेशन मैच नहीं जीती है लेकिन भाई हम लोगों ने उसे जिता दिया है, खुद हार के उनको जिताया। और MI वाले जरूर लाइक करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम।